हेलो स्टूडेंट्स। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, अभी तक तीन वीडियो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था केमिकल चेंजेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था हाउ टू बैलेंस एन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये थर्ड वीडियो है, इसमें कंटेंट हम लोग कॉपी कर रहे हैं हमारा। इसमें हम लोग देखेंगे आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में आप लोग को अंतर क्लियर है ना। केमिकल इक्वेशन केवल वे ऑफ राइटिंग है, किस तरह से लिखते हैं वो केमिकल इक्वेशन है। दो तरह से लिखते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी केमिकल इक्वेशन को, वर्ड में या सिंबल में। ओके, अभी हम बात करें केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार से हो सकती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो मेनली यहाँ पर आपके 10th क्लास के लेवल के हिसाब से यदि हम बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन जो है वो 5 टाइप की हो सकती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या इसी को मिला के हम बोल सकते हैं रिडॉक्स, री फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो 5 टाइप के जो है केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है, क्लियर है 5। अब हम जो है एक एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक टाइप की रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन यदि हम बात करें, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कंबाइन होना। कंबाइन होकर कोई चीज कितनी बन जाती है, एक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसी रिएक्शन जहाँ पर रिएक्टेंट्स सारे कंबाइन होकर प्रोडक्ट कितना बना देंगे, सिंगल, कॉम्बिनेशन हो गया उनका। ओके, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज होना मतलब टूटना, ब्रेक होना। ब्रेक कितनी चीज होगी, सिंगल, और सिंगल चीज ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा चीज बनाएंगी। तो ऐसी रिएक्शन जो सिंगल रिएक्टेंट टूटने पर क्या दे हमको, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, तो वो कौन सी होगी, हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना मतलब क्या करना, अपनी प्लेस से उसको हटा देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, दो लोग आपस में एक्सचेंज कर लेंगे यहाँ पर, डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये रिडॉक्स रिएक्शन, इसको हम एक एक करके और अच्छे से क्लियर इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिर से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है मैंने, कॉम्बिनेशन, ऐसी रिएक्शन द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। क्या कंडीशन चाहिए कंबाइन होने के लिए, रिएक्टेंट जो है वो कैसे होना चाहिए, टू और मोर, और प्रोडक्ट कैसा बनेगा यहाँ पर, सिंगल। ये कंडीशन हमको चाहिए, रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा और प्रोडक्ट कैसा बनेगा यहाँ पर, सिंगल। और फिर इसमें बात है कॉम्बिनेशन है तो कंबाइन होने के लिए दो या दो से ज्यादा मटेरियल चाहिए और प्रोडक्ट जो बनेगा कंबाइन होकर वो सिंगल बनेगा, राइट। अब आप लोगों ने कल शायद पहले वाले वीडियो में कुछ रिएक्शन पढ़ी है, तो कुछ रिएक्शन आप लोग बता सकते हैं, ऐसी रिएक्शन जो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट है। देखिए सिंपल रिएक्शन हमने पढ़ी है यहाँ पर, हम बोले तो C plus O2 CO2 reactants to product 1, और देखें हम H2 plus O2 gives। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि हमने बैलेंसिंग सीख लिया है और 10th क्लास के लेवल से अब आप जो भी रिएक्शन लिखेंगे वो रिएक्शन आपकी कैसी होनी चाहिए, बैलेंस। आपने यदि बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी है तो वो आपकी गलत मानी जाएगी। आपका एग्जाम में यदि आप लोग लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर रिएक्शन और आपने यहाँ पर ये नहीं लिखा है तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे, कहीं भी लिखे, एग्जाम्पल में लिखे या कहीं लिखे, आपको रिएक्शन कैसे करनी पड़ेगी, बैलेंस, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये, तो सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा कंबाइन होकर प्रोडक्ट सिंगल बनाएंगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और क्लियर करते हैं तो तीन तरह से ये हो सकती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन में टू और मोर एलिमेंट्स कैन कंबाइन
जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर एक रिएक्शन में लिखी थी, यहाँ लिखिए कि H2+Cl2 दो एलिमेंट है, ठीक है। और हमने भी लिखी थी यहाँ पे H2+O2 gives 2H2O, दो एलिमेंट्स के बीच में हो सकती कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या वन एलिमेंट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, एक एलिमेंट या एक कंपाउंड के बीच भी हो सकती है। जैसे जैसे हम बोलेंगे NO+ NO+O2, यहाँ पर ये एक एलिमेंट हो गया, ये कंपाउंड हो गया, ये फॉर्म करते हैं NO2। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वहां पर हमको दो रिएक्टेंट चाहिए, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगल। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो एलिमेंट्स के बीच में भी हो सकती है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है, या बिटवीन टू कंपाउंड्स, दोनों ही कंपाउंड हो सकते हैं। रिएक्टेंट्स जो है वो दोनों ही कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पर CaO+H2O, क्या बनेगा यहाँ पर CaOH2, राइट। तो ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। डेफिनेशन दिया है मैंने आपको, तीन कंडीशन बताइए, तीन कंडीशन में बन सकती है, तीनों के एक एक एग्जांपल बताएं। आप लोग बुक्स में जाएंगे और भी जहाँ भी रिएक्शन दिखे आप उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए कि वो किस टाइप में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। और कोई डाउट आप लोग को आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के वहाँ पर आप पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके।